दुकान हम लोग ढूंढ रहे हैं। के बाद मैडम लग चुकी है तोड़ फोड़ के बाद। रुपए कम पड़ गए और बाकी की चीजों में। गाइस अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब, वेलकम है आप लोग हमारे साथ। तो आज है हमारी 27वीं शहरी, तो देखते देखते 27वीं शहरी हो गई यार, माशाल्लाह है ना, है ना। देखो माशाल्लाह मुबारक महीना था, फटाफट चले गया, पता नहीं चला। देखते अभी से लगा अभी पहली शहरी बोले थे और 27वीं शहरी। तो आज मैं शहरी में खाने जा रहा हूँ, देखो क्या है, पालक क्या, सॉरी इसको बोलते हैं पनीर मटर आलू। तो मैं जरा खाने का प्लान था अंडा ऑमलेट, तो मैं ऑमलेट ऑमलेट खाऊंगा, फिर क्या पता कभी कुछ हो जाए, तो इसलिए मैं बोला लेके आ गया भाजी आते आते, है कि नहीं। और आज मैंने मस्त गर्मा गर्म रोटी बनाया, तो चलो आ जाओ फटाफट 27 शहरी करते पहले, है कि नहीं। आओ खाओ। तो अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे मैं आया हूँ आज गोरेगांव में क्रिकेट खेलने। देखो यहाँ पे आज हम लोग की टीम है सामने यहाँ खेल रही है, देखो यहाँ पे खेलो ने बोले भाई आज आ जाओ खेलने, थोड़ा खेलते हैं। सुबह 7 बजे से आया था, 8:30 बजे ग्राउंड पे पहुँचे हैं, तो देखते हैं आज कितना, थोड़ा देर ही खेलूंगा, देर नहीं खेलूंगा, फटाफट खेल के जाऊंगा, नहीं तो भाई हालत खराब हो जाएगी। तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब, वेलकम शफीक आसिफा ब्लॉग में। तो मेरी चल रही है आज एक साथ डबल टेबल काम, आइए दिखाती हूँ। पानी का थोड़ा मैटर चल रहा है, जानू ने आज थोड़ा बहुत पानी भरे, तो मैंने सोचा क्यों ना दिन दहाड़े आधे से ज़्यादा अपने कपड़े धो के हटा दूँ। तो एक तो मेरे आधे धुल गए हैं और सूख रहे हैं, और आधे मेरे अभी धुलने में है, और यहाँ पे और भी पड़े हैं, और जो वो भी लेकर आ गई। मैं आज कपड़े धोती हूँ, इंशाल्लाह कल एक दिन लगेगा ये कपड़े ऊपर हवा में सूखने, उसके बाद मैं परसों सारे बिस्तर धो के हटा दूँगी ट्यूसडे के दिन, तो मेरा ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो तो कपड़े हो रहे, इधर सूख रहे हैं, यहाँ तो सब पड़ा हुआ है, और यहाँ मैं कर रही हूँ बैठ के अपना ताम छाम पोछम पाछी, डब्बे में सब भरम भराई, कल जो डब्बे लेकर आई तो उस पर सब भर रही हूँ, कर रही हूँ। देखो यहाँ पर बैठ के सब, यहाँ पे आधा भर चुकी हूँ मैंने थोड़ा बहुत, अभी यहाँ पे बाकी की चीज़ें बाकी है, देख रही हूँ क्या चीज़ है क्या नहीं। ऐसे तो सब काम किए, ब्राउन वीटा वगैरह ये सब सोच रही हूँ डब्बे में डालूँ नहीं डालूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम डब्बे में डाल देते हैं ब्राउन वीटा वगैरह बच्चों का पाउडर, फिर वो एकदम कड़क हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, हवा उसको जरी सी भी लगती है वो ख़राब हो जाता है, तो उसी का टेंशन है, उसका सोच रही हूँ उसका और रसने का क्या करूँ। बाकी का तो उसके अंदर पास्ता वगैरह है थैली में, वो सब अभी डब्बों में भर के सेट अभी करूँगी अच्छे से मस्त, वहाँ पे पूरा साफ़ सफाई करके ये सब हटाने का है मेरे को। तो ये वाला भी अभी मेरे को पोछने का है, अभी उसी दिन पूरा पोछ के धो के ऊपर रखी थी, फिर पूरी धूल जम गई, अभी सोच रही हूँ यहाँ पर नीचे खाली है तो ये सब चीज़ हटाती हूँ। और सारे बर्तन अभी आधे बर्तन मैंने निकाले हैं, अभी ये सारे बर्तन निकाल के इसको यहीं पे लगे मैं, क्योंकि ये निकल नहीं पाता है, इसको यहीं पे धो देती हूँ, पूरा पानी यहाँ से पोंछ दूँगी, अभी सब करके हटाने का है मेरे को जल्दी जल्दी, और टाइम अभी हो रहा है 4:15, और साथ ही साथ बनाने की है अफ्तारी, तो देखूँगी अफ्तारी में कुछ ऐसा बनाऊँ जो बन भी जाए झटपट, एक ही चीज़ हो, पेट भी भरे और मन भी भरे और अच्छा भी लगे। तो क्या बनाएंगे देखते हैं, सोच के तो रखी हूँ, बाद में बताऊंगी, पहले काम कर लूँ। फाइनली मैंने ये पोंछ दिया, उतना हिस्सा पोंछ दिया, ये अभी डब्बे बाकी हैं, और यहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें ऐसा सेट कर दी, ये तो अभी डब्बे कम पड़ गए, और बाकी की चीज़ों में हर चीज़ मैंने ऐड कर दिया। वो तो मेरा बाजरी का आटा है, बाजरी का आटा, और मैंने पुडिंग के कस्टर्ड बनाने के लिए वो पैकेट लेकर अभी लास्ट टाइम आई हूँ, तो अभी तक मुझे बनाने नहीं मिला, वो सब मैंने इसलिए सामने रखा है, इधर सेट किया है, अभी ये सब बाकी है, असल में ये मुझे धोना है इसीलिए जैसा मैंने बताया, बट अभी अफ्तारी का टाइम हो रहा है, मुझे बनाना है अफ्तारी, इसलिए ये सारी चीज़ें अभी यहाँ रख के मैंने इसको थोड़ा सा होल्ड पे डाल दिया है, अपना ये काम अभी पेंडिंग कर दी हूँ, अभी पहले अफ्तारी की तैयारी करती हूँ, जब हम अफ्तारी कर लेंगे इंशाल्लाह उसके बाद हम बाकी का अपना ये काम करके हटाएंगे, क्योंकि कपड़ा भी अभी तक धुल के हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत बचा है, अभी तो यहाँ पे ये धुल रहा है लास्ट, इसके बाद वो डाल दूँगी तो वाले का काम ख़त्म हो जाएगा, कपड़ों का मेन चीज़ टेंशन ख़त्म हो गई। तो बस जब तक चलो अभी अपन फटाफट तैयारी करते हैं अफ्तारी बनाने की। और देखो यहाँ तो सोए पड़े हैं, सब सोए हैं, वो तो वहाँ ऊपर सोए हुए हैं, उनका तो छोड़ ही दो, मैं नींद में थी, मुझे आवाज़ आई, बोल रहे थे माल लेने जाना पड़ेगा, सो मैंने कुछ बुकिंग कर लिया हूँ, बहुत सारे ऑर्डर्स ले लिया हूँ, और माल है नहीं, माल लाने का है, तो आज जाना ही पड़ेगा।
देखते हैं आज क्या क्या करूँगी क्या क्या नहीं। मुझे नहाने का भी था तो मैंने सोचा पहले काम कर लूँ फिर नहाऊँ तो थोड़ा फ्रेश लगेगा अच्छा लगेगा। अभी काम देखो कैसे टाइम पे कैसा हो रहा है देखते क्या कर सकते। तो यहाँ मैं मेरे की हेल्प ले रही हूँ तो मेरे मतलब झटपट ठंडा करके दे रहा है खुशी खुशी खुशी। और यहाँ मैं पानी गर्म करने रख दी हूँ मेरे बाकी के मसाले मैंने यहाँ रेडी करी हुई फटाफट पीस लूँ जल्दी जल्दी। तो हम लोग जा रहे हैं इफ्तारी लेने। इफ्तारी लेट हो गया थोड़ा फिर हमारे यहाँ पे इफ्तारी के बाप रे बाप। चलो कोई बात नहीं सुबह गुस्सा रहे बोले देखो दावत देने का था मेरे को। चलो कोई नहीं भाई मेरे को दे दिए तुम क्या रखे। और भाई केला तो है रहने चलो मत। तो फाइनली गाइस हमारी इफ्तारी रेडी हो चुकी है यहाँ पे देखिए और मस्त माशाल्लाह उमेर और बना दिखाओ आपको। और यहाँ हमारी यूट्यूब फैमिली आई है कैसे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से नाला सुपारा से आए देखो माशाल्लाह हमसे मिलने के लिए नाला सुपारा से आए बहुत दूर से बहुत अच्छा लगा है कि नहीं। अच्छा लगा इसीलिए हमने इनको अफ्तारी की दावत भी दी है तो खा कर ही जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है कि नहीं। अब्बा भी अब्बा नहीं आए अब्बा आ रहे मेरी ठकुराइन अभी आएगी। चलो देख। तो गाइस इधर मम्मी से टूट चुका है कांच गलती से गिर गया। कितने सारे कप टूटे ऐसा कितने थे क्या मालूम दो तीन थे। बकरी बाप पैर मत रख मैं इधर खड़ा हूँ। अच्छा है पनौती गई बाप रे बाप। उधर भी पड़ा था होगा चलिए बात उधर एक कैसे टूटी है कांच मम्मा हाथ से टूटा कैसा टूटेगा गिर के टूटा कहाँ से नहीं तोड़ के दिखाऊं अभी कहाँ से गिरा यहाँ निकाल रही थी टूट गया टक ना ये कितना सारा इधर भी एक पीस था इधर पड़ा मैंने मार दिया उधर मम्मी ने ले लिया। तारी के बाद मैडम लग चुकी है तोड़ फोड़ के बाद हाँ और मैं यहाँ लेके बैठा हूँ पूरा ताम झाम देखो सबका पार्सल सबको कलर चाहिए कलर चाहिए कलर चाहिए ये कलर चाहिए वो कलर चाहिए। कुछ लोग तो निकाल निकाल के रखवा दिए हैं हमको ये चाहिए पैसा भी देते हैं रौजा खुलने के बाद पैसे देते हैं इफ्तारी के बाद पैसे देते हैं शहरी के बाद और देते ही नहीं है तीन चार घर हमारा ऐसे ही स्टॉक में निकाल कर आके रखे हैं ताकि हम दूसरे को भी नहीं दे पा रहे किसी और को भी नहीं दे पा रहे। चलो देखते हैं क्या होता है मिलते रहते हैं ऐसा मतलब आपने जैसे 50 कस्टमर में ना 15 कस्टमर तो ऐसे ही मिल रहे हैं पर फिर भी वो ज़्यादा 15 मिलते 5 मिलते तो समझ आता है कि नहीं तो हाँ 15 वो ज़्यादा मिल रहे हैं। और यहाँ देखो आशीर्वाद क्या कितना कप तोड़ दिया भाई तुमने। और यहाँ पे देखो पूरा कपड़ा पड़ा धो के ऊपर डाल दिया मैंने इसका सब धो डाली अब क्या तोड़ा। हाँ कल मेरा वीडियो बना रहे थे आज तुम्हारे से तोड़ फोड़ हो रहा है तो इसने पूरा आज कपड़ा वपड़ा पूरा धो दिया पानी हमने मैंने ले लिया थोड़ा बहुत है कि नहीं मैच खेलने के आने के बाद ताकि आशीफा कपड़ा धो सके मैच वैच खेलने के बाद थोड़ा पानी ने भर दिया फटाफट ताकि आज कपड़ा धो सके क्योंकि कल नंबर है तो हम लोग को टेंशन नहीं रहे। हाँ नहीं नहीं चेंज करके चलो आओ क्या कर रहे हो थक गए क्या और यहाँ मस्त थोड़ा सेटअप हो चुका है देखो ऊपर का भी सेटअप हो गया और यहाँ ऊपर रख दिए मस्त सफाई। और यहाँ पे यार क्या भर के रखे देखो वाह क्या ये सौंफ चिली फ्लेक्स ये दो खाली है और ये क्या है अरे वाह अंदर अंदर अरे वाह सब भर के रख दिया अंदर हाँ। मस्त सेटअप हो गया ऊपर ऐसा दिखता था अच्छा नहीं लगता था हाँ। ना फिर सब बोलते थे तो इसलिए सब भर दी। अरे सब दिखने वाले बोलते हैं इसमें क्या अभी भी बोलेंगे इसमें मालूम है पर ये मैंने मेरी तसल्ली के लिए साफ किया हाँ। क्योंकि मुझे करना था बाटलियां लाई नहीं थी। और यहाँ पे अभी हम लोग इफ्तारी रखे इफ्तारी खाएंगे थोड़ी देर में है ना पेट थोड़ा हल्का थोड़ा और चीजें हटाने की अभी नीचे का क्लीन करने का पर अभी जाना जरूरी है आके करूंगी रात। हाँ चलो यहाँ का काम हो गया मेरे कपड़े धुल गए गाइस हम लोग निकल चुके हैं गाइस हम लोग को थोड़ा जाना है बहुत अर्जेंट है हमारा काम है एक्चुअली हमारे एक दो तीन कस्टमर है उनको कुछ सामान चाहिए था और उन्होंने बोले हम लोग अर्जेंट है और उन्होंने एक साथ 5 से 6 ऑर्डर दिए है तो हम लोग मजबूरी भी जाना पड़ रहा है वरना हम लोग सोचे थे कि अभी हम लोग बम्बई नहीं जाएंगे और आराम करेंगे कुछ दिनों ईद बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि नहीं। तो उम्मीद है घर पे भी दादा आ रहे हैं इसके अब्बा आ रहे हैं मतलब मेरे अब्बा आ रहे हैं दादा हाँ और एक दो और एक खबर है शबाना एडमिट हो चुकी है मतलब हॉस्पिटल में है ना तो हम लोग को फ़ोन किया तो बोले भी आना अंदर अलाउड ही नहीं है क्योंकि एक ही पास पे एक जन का अलाउड है तो कंटी और वसीम उन लोग बैठे हैं कंटी कहीं और बैठी है और वसीम कहीं अंदर बैठे
तो हम लोग को जाके फायदा नहीं है। उसको बच्चे को यहीं छोड़ देना चाहिए था, कंटी और बच्चे तो उसने बोला कि तुम लोग अभी मत आओ, जब फोन करूंगा तब कुछ रहेगा तो आने। बोला ठीक है, तब तो हम अपना काम उठा के आते हैं, क्योंकि काम बहुत जरूरी है, बहुत अर्जेंट है, सामने तो चाहिए अर्जेंट काम है कि नहीं। चलो चलते हैं फटाफट, चलो चलो फटाफट, चलो चलो। मैं तो थक गई ना, मेरा दिल नहीं है, मेरा भी मन नहीं था कसम से। बोला चलो पर जाके आते, क्या करें, मजबूर काम काम, मुझे बहुत वर्क फ्रॉम होम। चलो फाइनली हम लोग पहुँच गए, देखो तो यहाँ देखो संडे। चलो खैर फाइनली हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से वापस। लास्ट टाइम जो चीज़ लेकर गई हूँ ना, विस्कोस का इतना मस्त वाला स्कार्फ जो शबनम ने पहनी थी, भारी वाला चीता प्रिंट, ये सब प्रिंट वाला, वो मिला ही नहीं। कितनी दुकान हम लोग ढूंढ लिए, नहीं जानू, और नसीब से हम लोग ने इतने सारे पीसेस लेकर आ गए थे, सब बंद है, सब शॉप्स, और जो लेकर आए थे वो चीज़ मिली नहीं और वो बिक गई। अभी जो बाकी के मांग रहे हैं वो बेचारे, उनकी नसीब देखते नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं। वैसे तो मुझे घर के लिए बहुत कुछ लेना है, पर्दा लेना है, रस्सी लेनी है, अभी अगर जानू दिलाएंगे कल, है ना जानू, रस्सी पर्दा, हाँ रस्सी ऊपर लगाऊंगी, पर्दा लगाऊंगी, आईने ढक जाएंगे, जब वो देखना रहेगा आईने पे से पर्दा हटाने का, सही बोली कि नहीं, ढक के रखने का सबसे बेस्ट। पहला साल ऐसा है जानू जहाँ पे सब बहुत जल्दी बंद हो जा रहा है ना, पब्लिक भी ज्यादा नहीं है, वरना ये लास्ट के दिनों में तो पब्लिक की इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती यहाँ पे पैर रखने की। और अभी के मामले में मुझे नहीं लगता, मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद सबने पहले ही शॉपिंग कर ली है, क्या बोलते जानू? नहीं अरे तो भी ये टाइमिंग पे सुबह तो 4-4 बजे तक लोग रहते हैं यहाँ पे, इस बार है ही नहीं इतना, देखते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं 5 नंबर, हाँ 5 नंबर को क्या खाने का था? मेरे बच्चे के लिए राइस ले, मेरे को खाने था फ्राइड राइस और जो भी खाना था, वो दोनों दो चीज़ ले रहे हैं हम लोग। पर यहाँ पे देखो है ना, और यहाँ उमेर के लिए लाए थे फेवरेट, उमेर का क्या था लगा उमेर? मस्त है ना, तूने बोला तो हमने लेके आए तेरे लिए। हाँ आशीर्वाद मस्त है कि नहीं? यहाँ लॉलीपॉप खा रही हूँ ना, मज़ा आ गया ना, उस पर ज्यादा डाल दिया लाल ना, अच्छा है, अच्छा लग रहा ना। चलो आ जाओ आप लोग भी खाने आ जाओ गाइस। तो खैर फाइनली गाइस फाइनली हमारी सैरी भी हो गई, सैरी अल्लाह, हां सैरी हो गई और इनका पेट फिर खराब हो गया। हां सैरी तो पहले ही खराब हो गया, तुम्हारा क्यों ऐसा हो रहा है मेरे समझ के बाहर यार, पता नहीं क्या हो गया अचानक, मेरे को लगता था तुमको सूजन उजन आती है पेट। हां यार और आज हम लोग बहुत बिजी थे, आसिफा भी बहुत बिजी थी घर में काम में, इसलिए कहीं जा नहीं पाया, और बहुत सा एक ऑर्डर था, बहुत अर्जेंट ऑर्डर था, इसलिए हम लोग को जाना पड़ा बम्बई, तो इसलिए हम लोग बम्बई चले गए। अब कल देखते हैं कल क्या होने वाला है कि नहीं, कल देखो कल कुछ स्पेशल होगा, देखते हैं, अलग काम तो बहुत है, बहुत है, हाँ बहुत है। हाँ, बाकी का और हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे फैमिली मिली यूट्यूब की, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमसे मिलते हो, हमारा नाम जानते हो, हमें पुकारते हो, हमारे से मिलने आते हो, हमें बहुत खुशी होती है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत से बोलते डर लगता है के बोले एक एक रहते ना, बोले घमंडी रहते, मिलते नहीं करते नहीं, बोले नहीं भाई अल्लाह का शुक्र है, घमंड जैसी चीज़ क्या होती है अपने को नहीं मालूम, अपन घमंड वमंड नहीं दिखाते, घमंड में खाली बस एक आध जगह ही दिखाती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स लोग को तो बिल्कुल नहीं, अल्लाह माफ़ करे, घमंड दिखा के भी अपन क्या कर लेंगे, ये सब नहीं करना चाहिए, और जिनसे अपन है उनको तो बिल्कुल भी नहीं है, तो सब इंसान ही ना, और वैसे भी सब अपना कमाते हैं और अपना खाते हैं, तो घमंड दिखाना भी नहीं चाहिए। तो अल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, प्यार सपोर्ट बनाए रखें, दुआ करें हमारे लिए सबके लिए, ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़ है, मिलना हमको वापिस है, चिंगम खाओ चबाके, यूट्यूब चलाओ दबाके, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय, देखते हैं अगले दिन में क्या होता है, अल्लाह हाफिज़।